जी स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहला एग्जाम क्वेश्चन बताने वाला हूँ और वो है ओपन एंडेड क्लासेस का। ओपन एंडेड क्लासेस बेटा वो क्लासेस क्लासिफिकेशन होती है जिसमें आपके पास अगर फर्स्ट क्लास है तो उसकी लोअर लिमिट नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बिलो 110, अपर लिमिट आपको मिल रही है, लोअर लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह लास्ट क्लास को अगर आप देखें तो आपके पास लोअर लिमिट है लेकिन अपर के बारे में कुछ नहीं पता। तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अच्छा अब मसला ये है कि अगर इस किस्म की क्लासिफिकेशन हमारे पास हो तो उसका मिड पॉइंट कैसे निकालें। लेकिन जो सेंटर वाली वैल्यूज है ये तो प्लस करेंगे डिवाइड बाय टू कर लेंगे। यहाँ पर 125, यहाँ पर 135, यहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मसला ये है कि पहली क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालें, लास्ट क्लास का मिड पॉइंट कैसे निकालें, ये है इशू। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का तरीका ये है कि आपकी जो पहली क्लास ओपन एंडेड है उसके बाद जो सेकंड क्लास का डिफरेंस है, सेकंड क्लास में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, तो हम 10 यूनिट्स का डिफरेंस फर्स्ट क्लास के लिए मान लेंगे। तो कितना होगा, यहाँ पे 110 है, 10 यूनिट्स पीछे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 100। क्लास क्लोज हो गई। इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 100 प्लस 110 डिवाइड बाय 2 इज 105। अच्छा अब उसके बाद जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास से पहले वाली क्लास का डिफरेंस क्या है, 10। इत्तेफाक से इसमें भी 10 यूनिट्स ही है तो यहाँ पे भी हम 10 यूनिट्स नेक्स्ट के लिए मान लेंगे, 140 से 150, और फिर इसका मिड पॉइंट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 145। आपको बात समझ में आई बेटा, क्या करना है, अगर पहली क्लास ओपन एंडेड है तो सेकंड क्लास का डिफरेंस पहली क्लास के लिए मान लो, और अगर लास्ट क्लास ओपन एंडेड है तो सेकंड लास्ट क्लास का जो भी डिफरेंस है उसको लास्ट क्लास के लिए मान लो। क्लियर। ऐड करो डिवाइड बाय टू करो, मिड पॉइंट निकल आएगा। समझ में आ गई बात। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चन लिखूंगा। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि मुझे उन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का मिड पॉइंट निकाल के दे देना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन, अंडर 0, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है। मुझे फ्रीक्वेंसी से अभी कोई काम नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप इसका क्लोज करके क्लास को इसका मिड पॉइंट निकाल के मुझे बता देंगे। ओके क्वेश्चन नंबर टू, वेजेस है इन रुपीस लेस देन 5, 5 टू 10, 10 टू 15, 15 टू 20 एंड 20 टू 25, यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। इसको भी आपने करना है। दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, लेस देन 1, 1 4, 4 टू 7, 7 टू 10, 10 टू 13,
फ्रीक्वेंसी और इसका बिट पॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपने क्या करना है इन तीनों क्वेश्चंस के लिए मुझे मिड पॉइंट निकाल के बता देना है बस, ठीक है? चले शाबाश, जब कंप्लीट हो जाए मुझे बता देना। जी बेटा कौन आंसर करना चाहता है? आप करना चाहते हैं? चलो आप बताइए। ओके आपने लिखा है कि जिसका 5, 15, 25, 35, ये तो आप सही लिखवा रहे हैं। ओके अच्छा आप बताइए कोई और बताना चाहता है? फर्स्ट का -5, 5, 15, 25 and 35, तो ये हमारे गलत है। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, सबका आंसर यही है। ओके कोई मसला नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन लिखवाना चाहता है? पहला आप कहते हैं 2.5, 7.5, 5.5, sorry, 12.5, 12.5, ओके 22.5, सबका आंसर यही है, किसी का चेंज तो नहीं है इससे? चेंज है तो आप बता सकते हैं, ये कोई फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें चेक करना है ये ठीक है या गलत है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताना चाहता है? -0.5, 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, सबका आंसर यही है, किसी का चेंज तो नहीं है? आपका चेंज है। जी आप बताइए, आपका आंसर है 2, फर्स्ट वाला 2 है, बाकी सेम है। ओके किसी का इससे डिफरेंट हो? बेटा आप लोगों से बात कर रहा हूं, किसी का इससे डिफरेंट है? सबका आंसर यही है। ओके जी बिल्कुल बन सकते हैं, सेम उसी तरह से बनते हैं जैसे क्लास लिमिट से बनते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास बाउंड्री डिवाइड बाय 2, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। किसी का आंसर इससे डिफरेंट नहीं है। ओके अब हम इसको चेक, जी कैसे आएगा पूछ रहे हो या मतलब? तो फिर आंसर कर देता हूँ, मतलब आपका आपने निकाला नहीं है बस, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हमने जो मिड पॉइंट्स निकाले हैं वो ठीक है या गलत है। तो पहला जो क्वेश्चन है सबका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए, अच्छा अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्यों गलत है ये, इंटरवल की बात ही नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों गलत किया आपने, पूछे ना पूछे। इस बच्चे ने कितना सही आंसर किया, उसने कहा ये एज है, एज कभी नेगेटिव होती है? एज नेगेटिव होती है कभी? कैसे मजे से -0.5 लिख के बैठे हो तुम लोग? सवाल ये नहीं है, मैंने आपसे पहले पूछा था क्या ये सबका आंसर यही है, सबने कहा हाँ जी यही है। अब आप कह रहे जीरो आएगा और ये आएगा और वो आएगा, वो छोड़ दे क्या आएगा, वो बात की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एज माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। ओके तो अब इसको क्या करें, अब जरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 1 पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने -5 लिखा और मैंने उसको बिल्कुल सही कहा। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें आपने माइनस की वैल्यू क्यों ले ली, पूछ सकते हैं ना, पूछे। इसके लिए बेटा कि यहां पर उसने वेरिएबल का नाम नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर, अब ये बड़ी समझने वाली बात है, गौर से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने सिर्फ लिखा हुआ है क्लासेस, कहीं पे वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो पहला वर्किंग रूल ये है कि अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आ जाए और वहां पर वेरिएबल का नाम ना लिखा हुआ हो और आपकी वैल्यूज माइनस में जा रही हो तो आप जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, क्वेश्चन नंबर 2 में वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है वेजेस,
और वेजेस भी नेगेटिव नहीं होती, वेजेस भी नेगेटिव नहीं होती। अच्छा यहां पर बाय चांस हम पहुंचे जीरो तक, जीरो टू फाइव, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का जो डिफरेंस था वो फाइव यूनिट्स का था, तो हम फाइव यूनिट्स पीछे आए तो जीरो तक पहुंचे, प्रॉब्लम नहीं आया। जीरो प्लस फाइव डिवाइड बाई टू इज 2.5, हमारा मिड पॉइंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब आया तीसरी क्लास क्वेश्चन पे, यहां पर सिचुएशन ये है बेटा कि यहां पर जो डिफरेंस है वो थ्री का है, लेकिन ऊपर वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है एज। एज के बारे में हमें मालूम है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकती, जब नहीं हो सकती तो यहां चाहे टू का डिफरेंस हो, थ्री का हो, फाइव का हो या टेन का हो, हम यहां से पीछे जाएंगे और जीरो पे जाकर रुक जाएंगे। जब जीरो पे जाके रुक जाएंगे तो हमारा मिड पॉइंट बनेगा 0.5 और ये बनेगा 2.5 और एंड सो ऑन, बाकी सब सही। समझ आएगी बेटा आपको, सबको समझ में आ गई है? ओपन एंडेड क्लासेस हो तो क्लोज करने का तरीका ये है कि फर्स्ट क्लास को क्लोज करने के लिए सेकंड क्लास का डिफरेंस फर्स्ट क्लास के लिए मान ले, लेकिन उसके साथ ये भी देखें कि जो अगर वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है तो क्या वो वेरिएबल नेगेटिव वैल्यूज लेता भी है कि नहीं। अगर यहाँ पर एज की जगह टेम्परेचर लिखा हुआ होता तब हमारा ये माइनस वाला आंसर बिल्कुल ठीक था, अगर लिखा होता तो। क्लियर हो गई? ये आपका पहला एग्जाम क्वेश्चन था। जी बेटा, इस तरह से आया बेटा कि सेकंड क्लास का डिफरेंस है फाइव का, तो हम ऊपर गए वहां पे लेस देन फाइव लिखा हुआ है, तो फाइव से फाइव यूनिट्स पीछे चले जाए तो जीरो टू फाइव हो गया, और फिर उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए जीरो प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है बेटा? ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर थ्री लिखा है ना, ये आई कैप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था। नहीं समझे बात? किस तरह आता है, मतलब क्या क्वेश्चन देते हैं? ओके, ये जो क्वेश्चन आया था इसको, जिसका मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन के लिए आपसे मीन पूछा था, अर्थमेटिक मीन। उसकी यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन थी, अर्थमेटिक मीन पूछा था इस डेटा के लिए। अब जिसने मिड पॉइंट गलत निकाला होगा उसका अर्थमेटिक मीन उसको मिल नहीं रहा होगा ऑप्शन, जिसने मिड पॉइंट सही निकाला था उसको आंसर मिल जाए। क्लियर हो गई बात? इससे आगे चल सकते हैं हम लोग, ये क्लियर है हम सबको? ओके, नेक्स्ट देखें बेटा। नेक्स्ट हमारे पास, आगे चलने से पहले अच्छा मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर कल आप लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी लिखवाई थी, जी बोल सकते, दोबारा लिखवा सकते हैं? टू फोर सेवन टेन सिक्सटीन एट और थ्री, और इसका टोटल था 50। अच्छा बेटा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, लेस देन 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या बताना है आपने मुझे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बतानी है जो 50 से लेस है। बता सकते हैं इस डेटा में कितनी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो 50 से लेस है? सारी पक्की बात है बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या पूछा? अब जो उन्होंने आंसर दिया है वो समझ में आ रहा है? 23 कहां से आया? 23 कैसे आया? ये उन्होंने इन वैल्यूज को ऐड किया, ऐसे ही है 10 17 21 और 23। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन 49, कितनी? ये वाली वैल्यूज, इनको आपने ऐड किया, ऐसा ही है। देखिए मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि 50 से कम कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, आपने उसका बिल्कुल सही आंसर किया, लेकिन उसको आंसर करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ा, आपको तीन चार ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना पड़ा। दूसरे क्वेश्चन को भी आंसर आपने बिल्कुल करेक्टली किया, लेकिन उसके लिए भी आपको एक काम करना पड़ा कि आपको तीन चार वैल्यूज को ऐड करना पड़ा।
हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को वो डायरेक्टली आंसर करती हैं। उनके केस में हमें कोई चीज प्लस माइनस नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट हमें आंसर मिलता है। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं। ये देखो, ये आपके सामने आ गई है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें दो तरह की है, एक है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले जरा इसको बना के देखते हैं और फिर देखते हैं कि जो ऊपर हमने क्वेश्चंस को आंसर किया है, क्या ये उन आंसर्स में हमें हमारी को हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती। पहली चीज तो ये है बेटा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है क्लास बाउंड्री और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या काम किया, ये वही डेटा है जो ऊपर लिखा हुआ था, उस डेटा से हमने क्लास बाउंड्रीज भी यहाँ बना दी है। सबसे पहली तो काम ये करना है कि यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है और वो ये है कि ये जो सेकंड क्लास में लिखा हुआ ना, ये 29.5 है, वो मिस्टेक हो गई है। अच्छा, अब ये जो क्लास बाउंड्रीज है, सबसे पहले हम कौन सी वाली क्लास बनाने जा रहे हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें अपर क्लास बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, अपर क्लास बाउंड्रीज की। तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं, ये देखो बेटा, लेस देन, पहली अपर क्लास बाउंड्री क्या है, 19.5, लेस देन 29.5, 39.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5 and 79.5, ठीक हो गया। अच्छा, अब कल हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना भी सीखा था, अगर आपको याद हो, उसको पहले से भी पता था क्या चीज है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 + 4, 6, 6 + 7, + 10, + 16, + 8, + 3, 50। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा वो था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन 50, क्या आंसर किया था हमने। अब आ जाए लेस देन 49.5, लेस देन क्या आंसर आ रहा है सामने, किसी प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर मिल रहा है। सबसे पहले हमने देखा था डेटा, डेटा अगर अनग्रुप फॉर्म में पड़ा हुआ हो तो फिर हमारे लिए उस डेटा को समझना, उससे कुछ रिजल्ट्स निकालना काफी मुश्किल काम होता है। पहला काम हम ये करते हैं कि उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, जिसको हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंडेंस्ड फॉर्म में ले आए। अच्छा, जब कंडेंस्ड फॉर्म में ले आए तो हमें ये देखें, हमें बहुत सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई। यानी अगर मैं अब यहां पर रहूं, ये डाटा मेरे सामने है, सिर्फ इतना डाटा, ये डाटा किसका था, 50 स्टूडेंट्स का डाटा था और उन्होंने एग्जाम में जो मार्क्स लिए थे वो लिखे हुए थे यहाँ। मैं अगर आपसे, अगर मेरे सामने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और मैं आपसे सेम क्वेश्चन करूं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका, जिनके मार्क्स 50 से कम है, अब जरा बताओ। अब ये 23 काउंट करने में तुम्हें 10 मिनट लग जाएंगे, जबकि ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का डेटा है। बात समझ रहे हो। हमने इससे आगे चले, हमने क्या काम किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो अब हमारा काम और आसान हो गया, अब उतना मुश्किल नहीं रहा, फिर भी हमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ रहा है। और जब हम आगे चले, यहां पर आए, अब हमारा आंसर ऐसे मिलना शुरू। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये हरकतें हम करके बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या फायदा होता है। यानी जब डेटा को हमारे पास अनग्रुप फॉर्म में पड़ा हुआ है तो वो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उल्टा हमारे लिए प्रॉब्लम बना हुआ है।
उसको सब पहला स्टेप ये है कि उसको इस फॉर्म में लेकर आओ कि उसको देखकर कुछ चीजों का अंदाजा हो जाए, देख के अंदाजा हो जाए। उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस तो उसके बाद है। देखिये आपने करना क्या है स्टैटिस्टिक्स में, आपने करना ये है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी आपको तो आ रही है ऑनलाइन वालों को, अब आ रही है कैप का? बेटा आप क्लियर है आवाज? ओके चले। देखिए बेटा स्टैटिस्टिक्स में हमने करना क्या है, यानी आप जो ये सब्जेक्ट जब पढ़ लेंगे ना, जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे, तो इसको आपने यूज कहां पे करना है, ये है सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों ने ये, कुछ लोगों ने चीजें पहले भी पढ़ी हुई है, क्या यूज है इसका, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कोई इसका आंसर कर दे कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का मुझे क्या फायदा है, बताएं। उससे क्या होगा और ऐसा मैं क्यों करूंगा, उससे क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, नंबर्स को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा हूं मैं, किस चीज में, कौन सी चीज ढूंढने निकले हैं आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन सी चीज ढूंढने निकले हैं बताएं मुझे, बोले आप गए हैं, आप बन गए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हाँ खुश हो गए, पहुंच गए आप किसी फर्म में, वो आपसे पूछे बेटा आपने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा था, आप कहेंगे हाँ जी पढ़ा था, अब वो आपको आपसे पहला क्वेश्चन ही करता कि बेटा मुझे इसका यूज बताओ, यहाँ पे तुम उसको क्या यूज कैसे यूज करोगे, बताओ करो आंसर, कंपनी का डाटा अरेंज करने से आपको क्या मिलेगा, मिसाल के तौर पर कोई एग्जांपल देके समझाओ ना कि भाई मैं इसको इस तरीके से यूज करने वाला हूं, वो तो एक्सेल कर देती है, आपने क्या तीर मारा डेटा, वो डेटा एंट्री वाला ना एक इंटर पास वाला ये काम सारे बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, क्या होती है ओके बेटा उसके लिए ना एक इंटर पास बंदा ये सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होती, चार्टर्ड अकाउंटेंट सैलरीज को देखेगा बैठ के, प्रॉफिट एंड लॉस देखेगा, क्या देखेगा, देखे बेटा ओके चलें सुनते हैं समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है, क्या यूज यानी हमें ये पढ़ लेंगे तो हमें से क्या हेल्प मिलने वाली। देखिए जिंदगी में जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो डिसीजंस दो तरह के होते हैं, एक डिसीजन ऐसा होता है कि भाई ये काम करना है बस मेरा दिल चाह रहा है मुझे करना है तो मैं कर दूंगा, और एक डिसीजन ये होता है कि मैं इस काम को समझ के करूंगा, इससे मुझे क्या मिलने वाला है, क्या फायदा हो अगर मैं ये काम करूंगा, मिसाल के तौर पर मुझे ये अपना एसेट रिप्लेस करना है, ये एक मशीन लगी हुई है मेरे पास और एक एडवर्टाइजमेंट चली कि आप ये वाली मशीन लगा लें तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो क्या मुझे चेंज कर लेनी चाहिए आंखें बंद करके, पैसे मेरी जेब में पड़े जाओ खरीद लो, या दूसरा डिसीजन ये है कि पहले उस पर रिसर्च करो। तो दुनिया में जिस जगह पर भी रिसर्च की जरूरत पड़ेगी ना, वहां आप खेलेंगे डेटा से। अच्छा जब डेटा से खेलेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि डेटा को समझना है, ये डेटा है क्या, ये किस चीज के बारे में है, ये क्या इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, इसको यूज कैसे करना है। नॉर्मली आपकी डेली लाइफ में आप कभी कभी ना कुछ रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, मिसाल के तौर पर आजकल एक बच्चे की सबसे ऐसी चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हर वक्त उसके हाथ में रहती है क्या है, सेलफोन, मोबाइल नहीं होता ये, सेलफोन होता है चाहे लो, मोबाइल, मोबाइल तो कहते हैं घूमने वाली चीज को, तुम भी तो घूमते हो तो मोबाइल हो, अच्छा खैर सेलफोन लेने जाते हो। अब सेलफोन लेने के लिए दो तरह के डिसीजन आप कर सकते हैं, एक डिसीजन ये है कि मेरी जेब में पैसे हैं मुझे सेलफोन, दुकानदार को जाकर कहते हैं ये पैसे पकड़ो मुझे कोई सेलफोन दे दो, ऐसा करते हो। उससे पहले आप एक काम करते हो, आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है, एक बंदा कहता है मुझे पबजी खेलनी है, कहता है ना, सोचता है खेल सकता है, तो अब पबजी को चलाने के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है,
किस किस्म का उसके ग्राफिक उसकी कैसे होनी चाहिए, स्क्रीन कैसी होनी चाहिए, टच उसका इतना अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए, और 10 चीजें हैं, प्रोसेसर कैसा है, बैटरी टाइमिंग कैसी है। एक बंदा कहता है मुझे पबजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो दिल करता है मैं अपनी ना सेल्फीज बना बना के पोस्ट करता रहूं, उसमें बहुत अच्छे फिल्टर होने चाहिए ताकि खूबसूरत लगूं, और कुछ लोग 25-30 फिल्टर लगा के भी खूबसूरत नहीं लगते, है कि नहीं ये चीज। तो अब आपके पास एक आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को सामने रखकर आपने चीज खरीदनी है। तो अब आप पहले उसके ऊपर पूरा काम करेंगे ना, मार्केट में क्या अवेलेबल है, मेरी जेब में कितने पैसे हैं, नहीं करोगे, करोगे ना, ये बेसिकली क्या कर रहे हो आप, ये रिसर्च वर्क ही तो है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर, कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितने में अवेलेबल है, मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, मैं इनमें से कौन सी चीज खरीदूंगा तो मेरे पास चार पैसे भी बच जाए, मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। समझ रहे हो बात को, यही काम करना है। जब आप किसी जगह पर बैठे होंगे तो आपने जब किसी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे होंगे तो कोई डिसीजन लेंगे ना बैठ के, आपके डिसीजंस का उस बिजनेस के ऊपर असर होना है। तो आप कुछ चीजें सोचोगे बैठ के कि मैं अपने काम को कितना इफेक्टिवली कितना एफिशिएंटली कर सकता हूं, यानी काम को इस तरीके से करना है कि उससे कुछ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम निकाल लो। आपको बात समझ में आ रही है? जब ये काम आपने करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले चीजों को समझें, डेटा को समझें, डेटा होता क्या है, डेटा की यूटिलाइजेशन क्या है। तो आप स्टेटिस्टिक्स के अंदर दो पार्ट्स हैं, आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, एक सुना होगा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, बेसिक डेफिनेशंस के अंदर दो चीजें पढ़ी होंगी, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इंटर कॉमर्स के साथ आए। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ये दो नाम आपने सुने होंगे वहां पे, लेकिन सिर्फ डेफिनेशंस पढ़कर आए हैं, उसका मतलब क्या नहीं पता किसी को। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताती है, यानी डिस्क्रिप्टिव अपने नाम से बता रही है कि डेटा को डिस्क्राइब कर रही है। डेटा की जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसमें हम चार चीजों की बात करते हैं, डेटा की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, डेटा का स्प्रेड क्या है, डेटा की स्क्यूनेस क्या है, डेटा का कर्टोसिस क्या है, चार चीजें हैं। और यहां पर भी हम सिर्फ तीन पढ़ने वाले हैं, कर्टोसिस के अलावा बाकी तीन पढ़ने वाले हैं यहां पर इस जगह पर। इससे पहले आपने स्क्यूनेस भी शायद ही पढ़ा हो, मेरे ख्याल नहीं पढ़ा इंटर में आप लोगों ने, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको ऊपर लेकर आ रहे हैं। डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी चार चीजें हैं, डेटा की रिप्रेजेंटेशन, डेटा को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका आंसर है एवरेज। आप लोगों ने एवरेजेस पढ़ी थी, अर्थमेटिक मीन पढ़ा था आप लोगों ने, मीडियन पढ़ा था आप लोगों ने, मॉड पढ़ा था, दो और भी है जो आपने वहां नहीं पढ़ी थी, वो एवरेज नहीं है बेटा, वो है यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, वो वहां नहीं पढ़ी थी आपने। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, डेटा की डिस्क्रिप्शन, डेटा की डिस्क्रिप्शन में पहली चीज क्या है, डेटा की रिप्रेजेंटेशन, डेटा की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा, एवरेज करेगी। तो एवरेजेस का चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, आपने वहां पे क्या पढ़ा कि एवरेज होती क्या है, एवरेज कैसे कैलकुलेट होती है, कितनी टाइप्स की हैं, किस सिचुएशन में किसको यूज करना चाहिए, पहला आंसर किया आपने। फिर दूसरी चीज आपने देखी डेटा का स्प्रेड, यानी वैल्यूज अपने मीन के अराउंड किस तरह स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर है, पास पास है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो इंटरवलों में पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा था कॉमर्स में, कब है स्टैंडर्ड डेविएशन, मैट्रिक में पढ़ा दिया, कॉमर्स में इंटर में नहीं पढ़ाया उन लोगों ने, तो देखो ये हमारे हालात है। बहरहाल स्टैंडर्ड डेविएशन किस चीज का आंसर करता है, दूसरी चीज डेटा का स्प्रेड कैसा है, तीसरी चीज डेटा में स्क्यूनेस है या नहीं, अभी सिर्फ नाम सुनते जाओ, वो आगे जाके हम सब कुछ पढ़ेंगे क्या है, चौथी चीज डेटा का कर्टोसिस क्या है। जब ये चार चीजों को आपने आंसर किया ना, तो बेसिकली आपने डेटा को डिस्क्राइब किया, ये बन गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, समझ में आई बात। उसके बाद दूसरा पार्ट है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप क्या करेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ देखा उसकी बेस पर
फ्यूचर के लिए कुछ रिजल्ट्स को इन्फर किया। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, आपको बात समझ में आ जाएगी, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल का फर्क समझ में आ जाएगा आपको। आप लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप लोग पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हो, आप लोगों के क्विज हो रहे हैं, हफ्ते में एक दफा क्विज हो जाता है, महीने में 4 हो जाते हैं, तो 6 महीने में कितने हो गए, 24 क्विज हो गए, ठीक है। हर क्विज के अंदर आपने कोई ना कोई मार्क्स लिए होंगे, आप लोगों का एक एवरेज फिगर सामने आ जाएगा, 24 हफ्तों में एक स्टूडेंट ने ऑन एवरेज कितने मार्क्स लिए, ठीक हो गया। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, यानी उसका डेटा स्प्रेड कहां से कहां तक रहा, उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस रही कहां से लेकर कहां तक उसके रिजल्ट्स रहे, यहां से लेकर यहां तक रहे, ये एवरेज रहा। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब ये सारा कुछ मेरे सामने आ गया टीचर में। अब आपके पेरेंट्स में से कोई आता है और आके मुझसे सवाल करता है, सर मेरा बेटा जो है ना कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जो उसका पिछले क्विज 24 क्विज दे के बैठा हुआ है, उसकी एक एवरेज परफॉर्मेंस मेरे सामने है कि नहीं। एक बच्चा है वो ऑन एवरेज 70% मार्क्स लेके बैठा हुआ है पिछले 24 क्विज के अंदर, तो मैं क्या कहूंगा, सर बहुत अच्छा है, रेगुलर आता है क्लास में, ऑन एवरेज 70% मार्क्स लेके बैठा है, तो वो पूछेंगे सर आगे का क्या लगता है आपको, मैं कहूंगा इंशाल्लाह पास हो जाएगा। किसकी बेस पे बात की मैंने, ये वो जो पिछला डाटा था मेरे सामने, वो जो पिछला डाटा मेरे सामने था उसकी जो एक एवरेज फिगर मेरे सामने थी उसी की बेस पे बात कर रहा हूँ ना, कि जी इसकी परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस मुझे ये बता रही है कि ये आगे भी पास हो जाएगा, हो जाए, हुआ नहीं है अभी, ये मैंने इन्फर किया है आगे के लिए। यही काम करने वाले हैं इस पूरी स्टैटिस्टिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अभी हम पहले पार्ट में डेटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं है क्या, फिर इसकी एवरेज निकालेंगे, फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, और फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी अप्लाई करके और रिजल्ट्स को क्या करेंगे, इन्फर कर लेंगे आगे के लिए। समझ में आया क्या करने वाले हो तुम लोग, स्टैटिस्टिक्स है क्या? नहीं समझ में आई, आवाज क्यों नहीं निकल रही, सुन क्यों हो गए, तो उठ जाओ ना, जाग जाओ। अभी हम क्या कर रहे थे, अब हम कौन से पार्ट पे मौजूद हैं, डाटा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहां कहां कैसे किस तरह से रखना है, सब कुछ चल रहा था। वापस आते हैं इसके ऊपर। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। उसके लिए हमारे पास है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, जो दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा था। कौन सा लिखा था, कि जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन 49 से ग्रेटर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी, उसको भी तो हमने प्लस करके आंसर किया था। तो अब यहां पर आ जाए, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए हमें कौन सी क्लास बाउंड्रीज चाहिए, लोअर क्लास बाउंड्रीज। तो मैं यहां लिखूंगा पहली लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5, तो यहां लिखूंगा 9.5 और मोर 19.5 29.5 39.5 49.5 59.5 69.5। अच्छा, अब यहां पर हम कैसे चलेंगे, यहां पे हम थोड़ा डिफरेंटली परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज ये है कि आप फ्रीक्वेंसी का टोटल बताएं कितना है, 50। तो बेटा यहां लिख रहा हूं 50, यहां आप रिवर्स में चलने वाले हैं। अच्छा, अब इस 50 में से ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है इसको माइनस करूंगा, तो 50 - 2 इज 48। इस 48 में से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को माइनस करूंगा, 44 में से 7 को माइनस करूंगा, उसमें से 10 को माइनस करूंगा, फिर 16 को माइनस करूंगा, फिर 8 को माइनस करूंगा। तो जब मैं रिवर्स में आ रहा हूं तो ये जो लास्ट वैल्यू है और जो यहां पर लास्ट वैल्यू है ये सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैंने जो प्लस माइनस किया है वो ठीक किया है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन क्या था, 50 से अबव, ये देखें 27 ही निकाला था, ये देखें ना 49.5 और मोर, यही आंसर था। नाइन
नाइन, मैं कहता हूं कि इस वैल्यू से ज्यादा क्या कितना होगा, तो मैं कहूँ 9.5 हो या इससे ज्यादा हो, तो उसको कैसे लिखूंगा 9.5 और मोर। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग चीज थी, वो थी कि उस क्लास का टोटल के साथ प्रोपोर्शन क्या है। दो तीन तरह के क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूँ इससे आगे क्या है, मैं कहता हूँ इससे पीछे क्या है, मैं कहता हूँ इस क्लास का प्रोपोर्शन क्या है। तो देखिए मिसाल के तौर पर ये है 4, मैं कहता हूँ इस वाली क्लास का पूरी क्लास में क्या प्रोपोर्शन है, आप कहेंगे 4/50। क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे ना, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ से आए हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आप मुझे उस जगह का नाम बताओगे ना कि मैं वहां से आया हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मैं मलीर से आया हूँ, मैं कैंट से आया हूँ, मैं जनाब, मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी, आप कहेंगे मैं मलीर से आया हूँ, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो जिस किस्म का क्वेश्चन होगा उसी तरह से आंसर किया जाएगा ना। तो क्वेश्चन क्या है कि इस वैल्यू से आगे कितनी वैल्यूज हैं, क्वेश्चन क्या है कि इस वैल्यू से पीछे कितनी वैल्यूज हैं, क्वेश्चन ये है कि 20 और 29 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं। हर क्वेश्चन अलग है ना, तो जो क्वेश्चन अलग है उसका आंसर भी अलग ही होगा। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली डाटा को कैसे डील करना है। ओके, इसके बाद है बेटा हमारे सामने डायग्राम्स, यानी अभी हमने क्या काम किया, अनग्रुप डाटा को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में लेकर आए, और अब हम क्या करने वाले हैं, उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जा रहे हैं। टेबल्स बना के दिखाए और अब क्या बना के दिखाने वाले हैं, डायग्राम्स या ग्राफ्स बना के दिखाने वाले हैं। मेनली हमारे पास जो है ना, जो मेन है हमारे पास, वो तीन तरह के ग्राफ्स हैं, बार चार्ट्स, हिस्टोग्राम, ओजाइव्स। ठीक है, अच्छा ये जो बार डायग्राम्स हैं, ये वाले सिंपल, मल्टीपल, स्टैक्ड, और इन सबको हम कहते हैं वन डायमेंशनल ग्राफ्स। वन डायमेंशनल ग्राफ क्यों कहते हैं इनको, पहली चीज ये देखो बेटा, ये आपके सामने एक सिंपल बार चार्ट बना के रखा है मैंने। ये कौन सा चार्ट है, सिंपल बार चार्ट। अच्छा अब आप जरा सबसे पहले देखें, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस और ये है, अच्छा आप यहां देखें, ये लिखा हुआ है 1989, ये लिखा हुआ है जीरो, जो आपका ओरिजिन होता है। अच्छा फिर यहां पे लिखा हुआ है 1990। ये जो बार चार्ट्स होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया ऊपर, वन डायमेंशनल डायग्राम्स। वन डायमेंशनल डायग्राम्स हम इसलिए कहते हैं कि इनमें एक्स एक्सिस पर कोई स्केलिंग नहीं होती, जस्ट क्या होते हैं, लेबल्स होते हैं, जबकि वाई एक्सिस पर क्या होता है, स्केलिंग होती है। यानी यहां पर ये जो विड्थ है ना इस बार की, ये किसी स्केल के ऊपर नहीं बनी हुई, लेकिन इस बार की जो हाइट है ना ये स्केल से बनी हुई है। ये बात समझते हैं आप, स्केलिंग समझते हैं, कभी ग्राफ्स बनाए हैं, सबने बनाए होंगे मेरा ख्याल है। उस ग्राफ के अंदर जब आप कोई चीज, ये डिस्टेंस अगर मैं दिखाना चाहूं तो उसका एक स्केल बनाऊंगा ना। अच्छा यहां पर मैं कहता हूं कि ये स्केल नहीं है, जस्ट लेबल्स हैं, इसका मतलब है यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1989 नहीं है, ये एक्स एक्सिस पर जीरो से लेकर यहां इस बार तक का जो डिस्टेंस है ये 1989 नहीं है, ये जस्ट लेबल है, नाम लिखा हुआ है यहां पर। लेकिन जब मैं यहां पर चलता हूं जीरो से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो 10 मिलियन का प्रॉफिट है। फर्क समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस पर कोई स्केलिंग, वाई एक्सिस पर स्केलिंग। तो आपको पहली चीज जो नजर आएगी बार चार्ट्स में वो ये है कि इनको हम कहते हैं ये वन डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, एक्स एक्सिस पर कोई स्केलिंग नहीं है, वाई एक्सिस पर स्केलिंग है। अगर हम बना रहे हैं वर्टिकल, हम ये बार चार्ट्स को हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं। अगर हम ऐसा बनाएंगे तो फिर आपको y एक्सिस पर स्केलिंग नजर नहीं आएगी, x एक्सिस पर स्केलिंग नजर आएगी। यानी ये यूं भी बन सकते थे, इस तरह भी बनाए जा सकते हैं बार चार्ट्स को, वर्टिकली भी बनाया जा सकता है और हॉरिजॉन्टली भी। तो अगर वर्टिकल बन रहे होंगे तो कहां पे स्केल मिलेगा, y एक्सिस पर, और अगर हॉरिजॉन्टली बन रहा होगा तो दूसरा एक्सिस जो है वो विदाउट स्केलिंग होगा। ये बात समझ में आ रही है,
ओके एक बात, दूसरी बात ये बेटा कि ये जो सिंपल बार चार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए शो होता है, बनाया जाता है। यहां पर देखें हम सिर्फ प्रॉफिट को दिखा रहे हैं, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक 1990 1989 में, 90 में, 91 में, 92 में, 93 में, अगर आप देखें तो एक चीज हमें देखते ही समझ में आ रही है कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। ये जो बार चार्ट्स हैं, ये जो 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 डायग्राम्स हैं, ये पता है किस टाइप ऑफ ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं? जिनको नंबर्स के साथ खेलना कोई पसंद नहीं होता ज्यादा, ये जो कंपनी के मालकान होते हैं जिनके आप मुंशी बनोगे जाके, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो अक्सर अनपढ़ ही होते हैं, लेकिन आजकल पढ़े लिखे भी होते हैं हमारे, तो उनका उनको नंबर्स में ज्यादा इस तरह से इंटरेस्ट नहीं होता। वो कहते हैं मुझे दिखाएं कंपनी कहाँ जा रही है, तो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है, नजर आ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, आप कह सकते हैं सर हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये क्या चीज है? सिंपल बार चार्ट, वन डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। सिंपल बार चार्ट एक कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के लिए है। इसके बाद है मल्टीपल, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हमने एक ही जगह पर दिखाना हो, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, कौन से ईयर के लिए? 1991 के लिए। तो अगर हम 1991 में देखना चाहते हैं कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, 1992 में कहां खड़े हुए हैं, तो ये देखें, ये हमने मल्टीपल बार चार्ट बना दिया। अब इसमें हमने क्या काम किया है? इसमें हमने ये क्या काम किया है कि ये और ये दो बार बनाए, यहाँ पे उसकी की बनाई है। ये देखें इम्पोर्ट्स हैं येलो कलर में और एक्सपोर्ट्स हैं लाइट ग्रीन कलर में, ये बेसिकली की है इसको पढ़ने की। तो आप एक चीज नोट करें कि हम कह सकते हैं कि हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल हम बिल भी हमारा करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में मौजूद है। करंट अकाउंट समझते हैं ना, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हम जो कुछ पेमेंट्स करते हैं और कुछ पेमेंट्स आती हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमने क्या मंगवाया और क्या दिया है, तो उसमें अगर ज्यादा हमने मतलब मंगवाया और कम बाहर भेजा है तो हमने जेब से ज्यादा पैसे दिए होंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में आ जाएगा और अदरवाइज सरप्लस में चला जाएगा। तो ये बेसिकली सरप्लस और डेफिसिट दिखा रहा है हमें। एक चीज हमें नजर आ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इम्पोर्ट्स भी उसी तरह बढ़ रही है। तो अगर ये हमारे सामने डायग्राम्स ना हो, सिर्फ नंबर्स की बात पे ना, अगर मैं नंबर्स बोलता जाऊं सिर्फ कि जी देखें यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी थी, यहाँ इतनी थी, यहाँ इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी, तो लगेगा ओहो हो हमारी तो एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। तो नंबर्स में हमें घुमा सकते हैं लोग, लेकिन अगर ये ग्राफ बने हुए हो तो आप चक्कर देना मुश्किल है, बिल्कुल सामने पिक्चर सामने आ जाती है हमारे। मल्टीपल में क्या करना है? हमने दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह पे दिखा देना है। सेम इसी तरह है हमारे पास कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट अपनी शक्ल में बिल्कुल सिंपल की तरह होता है, यानी पहला वाला सिंगल बार होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि वहां पर उस बार के कंपोनेंट्स बने हुए होंगे। ये देखें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, या तीन चीजें हैं, वीट है, बार्ले है, ओट्स है, टोटल है 79। तो हम 1991 का एक सिंगल बार बनाएंगे, 1991 का सिंगल बार बनाएंगे, इसकी हाइट होगी 79, जिसमें से 34 क्या नजर आएगा? वीट, फिर 18 क्या नजर आएगा और फिर बाकी का 27 क्या नजर आएगा? ये देखें बेटा, ये आ गया आपके सामने कंपोनेंट बार चार्ट्स। 1991 की टोटल हाइट ये देखें, ये 80 है, 79 नजर आ रही है, फिर उसने यहां पर आपको कीज बना के दिखा दी। हम चाहते तो इस डाटा के लिए मल्टीपल भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां क्या होता कि ये तीनों एक दूसरे के साथ नजर आती, यहां पे टोटल नजर आ रहा है और टोटल के अंदर क्या पार्ट है वो नजर आ रहा है। और इसके बाद है बेटा पाई चार्ट। पाई चार्ट को पाई चार्ट क्यों बोलते हैं? 360 डिग्री का बनता है एंगल। एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? कंपोनेंट पार्ट है इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360। आप लोगों ने करना यह है कि ये आपके सामने एक फैमिली बजट है जिसका टोटल है 1500। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बेटा आपने, जल्दी से जरा एंगल कैलकुलेट करके दिखा दो जल्दी सब लोग। पहला एंगल बनेगा 600
डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 144 डिग्री जी. सेकंड 100 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 24 400 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 96 ये अगेन 24 और ये कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 360 जी 72 डिग्री. सबके एंगल यही आ रहे हैं. ये देखें जी ये पाई चार्ट बना हुआ है आपने सेम एंगल्स के ऊपर. मतलब अब तो ये सारे काम एक्सेल कर देती है, हमें कोई जरूरत नहीं होता है. सिर्फ आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये बनता कैसे है और ये किस काम के लिए यूज होता है. पेपर में आएगा तो एंगल कैलकुलेट करने को दे देगा या इसके बारे में पूछ लेगा ये होता क्या है. देखिए पाई चार्ट जो है वो भी बेसिकली वन डायमेंशनल डायग्राम है. ये भी मिक्स्ड किस्म की ऑडियंस के लिए है. कैसी ऑडियंस के लिए है? जो ज्यादा नंबर्स को पसंद नहीं करते या जो बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते, इस टाइप के लोगों के लिए होता है. ये बनता कैसे है, इसके नहीं एंगल कैसे कैलकुलेट होते हैं, ज्यादा आपको एंगल कैलकुलेट करने को कह दिया जाएगा या एंगल का डिफरेंसेस पूछ लेता है, इस टाइप की चीजें पूछ लेता है. बनाने का अब तो सवाल नहीं है, सीबीए एग्जाम में बनाने को ऐसी चीजें नहीं कही जाती. और उसके बाद है बेटा हिस्टोग्राम. अच्छा हिस्टोग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना डायग्राम है. सबसे पहली चीज हिस्टोग्राम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये है हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कोई आपसे पूछे हिस्टोग्राम क्या होता है तो आप कहेंगे ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है. ठीक हो गया? अच्छा जब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है तो ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है? अगर हम ये बनाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है? और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि आगे के जितने चैप्टर्स है ना वहां पर आपकी ये जान खाने वाला है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है. क्योंकि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमें बताएगा कि हमने आगे कैसे चलना है. जैसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी उसके अकॉर्डिंगली हम चीजों को लेकर चलेंगे. अच्छा हिस्टोग्राम दो बातें मैंने बता दी, होता क्या है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बताता क्या है शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट ये है टू डायमेंशनल डायग्राम. टू डायमेंशनल डायग्राम का मतलब इसमें एक्स एक्सिस पर भी स्केल है और वाई एक्सिस पर भी स्केल है. अच्छा आगे चलते हैं. ये आपके सामने एक हिस्टोग्राम बना हुआ आ रहा है. अच्छा अब आपने हिस्टोग्राम से डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का आइडिया कैसे लेना है? पहली चीज है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और एक और चीज है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और दूसरा है फ्रीक्वेंसी कर्व. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, हम ये जो हमारे पास हमने हिस्टोग्राम है इस हिस्टोग्राम के अगर आप देखें तो ये 60 से 65 70 तो सबसे पहले तो हमने इसके मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करने 60 और 65 का मिड पॉइंट क्या बनेगा तो उसको हमने इस टॉप साइड पे डॉट लगाना है. 65 और 70 का यहां पे लगाएंगे, फिर मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया
मार्क कहां पे किया, टॉप साइड पे, और उसके बाद इन मिड पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, किस लाइन से, तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या कहलाएगा, और अगर मैं इसको फ्री हैंड से स्मूथ कर दूं तो अब ये क्या कहलाएगा, समझ में आई बात? तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये देखें, ये दोनों चीजें आ गई आपके सामने। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ कर्व दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टॉप मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ अ हिस्टोग्राम यूजिंग अ फ्री हैंड। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीक्वेंसी कर्व एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन, whereas frequency is drawn by a smooth hand. हो गया? अच्छा, अब जब आपने ये frequency curve बना लिया, तो frequency curve से आपको क्या मिलने वाला है? Shape of the distribution. क्या मिलने वाला है? और पहली जो shape है आपके सामने, अब ये हमारे सामने एक क्या बना हुआ आ रहा है? Histogram. क्या काम करेंगे? ये देखें. Midpoints को identify किया और ज्वाइन किया, तो पहली जो शेप हमारे सामने आ रही है उसको हम कहते हैं यू शेप, यानी कुछ यू कर्व बन रहा है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब यू शेप, ये दूसरा एग्जाम क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है ये बताया था, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। टोटल 50 क्वेश्चन आंसर करने हैं आपने, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो ये 2 मार्क्स अब हमारे हाथ में है, जरा देखते हैं इसका आंसर करते हैं। यानी अब इसके बारे में पूछेगा क्या, इसके बारे में डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे देगा, जिसमें एक स्टेटमेंट जो कि करेक्ट है वो ये कहेगा कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अगर इस शेप को हम देखें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है कॉर्नर्स पे और मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें यहाँ पर, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट होगी, टिक कर देंगे, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इन्हें क्या पूछेगा इसके बारे में, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, और वो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि यू शेप जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की होती है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ लाए करती है, एक्सट्रीम्स पर, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेंटर में। ये देखें, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, यू शेप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यू शेप का अपोजिट क्या है, सिमेट्रिक या बेल शेप, सिमेट्रिक या। अच्छा, अब यहां देखें, ये उसने खुद बना के दिखा दिया आपको, ये देखें, ये जो सिमेट्रिक है या जो बेल शेप है ना, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, इस शेप के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा एक चैप्टर है जो इस शेप के ऊपर है, पहली बात। और फिर इस चैप्टर की बेस के ऊपर लास्ट के जो 4 चैप्टर मैंने लिखवाए थे, लिखे थे आप लोगों ने, लिखे थे, वेरी गुड, तालियां इस बात पे आपके लिए बेटा। सबसे पहले जो स्लाइड दिखाई थी वो यही थी जिसमें मैं तुम्हें वो बता रहा था, बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ोगे तो कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इससे अंदाजा लगाओ कि तुम कितने सीरियस हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। तुम्हें अभी तक ये पहली स्लाइड जो मैंने तुम लोगों को दिखाई थी ना, वो यही थी। खैर, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पूरा एक चैप्टर है, किस चीज के ऊपर है, इस बेल शेप के ऊपर है। और उसके बाद के जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं, पूरे 4 चैप्टर्स, कौन कौन से, सैंपलिंग, अब लिख लो, एस्टीमेशन,
हाइपोथेसिस, टेस्टिंग और काय स्क्वायर, ये चार चैप्टर, ये चारों चैप्टर बेस करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। इससे अंदाजा लगाओ कि ये एक शेप कितनी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस, हाई एच वाई पी ओ टी एच ई एस आई एस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मैं समझा रहा हूं। आपको अंदाजा हुआ कि ये हिस्टोग्राम ने कितना जबरदस्त काम किया, कभी आज तक लिफ्ट ही नहीं कराई थी हमने इसको, बस पढ़ा था यार ग्राफ होता है बस ठीक है आके चलो। और ये बेल शेप पूरी की पूरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस है, पूरी की पूरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बेस क्या है, ये बेल शेप। आपका क्वेश्चन था बेटा यू शेप का ना, यू शेप इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें देखें ये जो आप हिस्टोग्राम बनाते हैं ना बेटा, ये इस हिस्टोग्राम की ये जो हाइट आपको नजर आ रही है ये वाली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से नजर आ रही है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी हाइट उतनी, तो देखें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी और कम हो गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई, तो देखें ये इस तरह की यू शेप बन गई। एक मिनट बेटा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही है, यहाँ पे मिनिमम मिल रही है। तो इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को जिसमें कॉर्नर्स पे मैक्सिमम और सेंटर में मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल रही हो, वो यू शेप फ्रीक्वेंसी बनती है। इसके बिल्कुल अपोजिट होती है नॉर्मल या सिमेट्रिक, उसमें सेंटर में मैक्सिमम मिलेगी, साइडों पे कम मिलेगी। ये देखें यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ कम है। जी बेटा आप कुछ कह रहे थे, किसकी बात कर रहे हैं आप, बेल शेप की? यू शेप में तो कम होगी। हाँ, ये देखे ना, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो रेक्टेंगल की हाइट है ना, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से मिल रही है। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये आपको ये ऊपर जाएगा, ये इस तरह, कम होगी तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक हो गया बेटा। और उसके बाद ये कौन सी शेप नजर आ रही है, यूनिफॉर्म, बिल्कुल स्ट्रेट, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म हो बिल्कुल, जो मर्जी पढ़ा दो यहाँ से झाड़ा निकल गया। हाँ जी चलो आगे देखें जी, दूसरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया था, पहले मैंने कहा था डेटा की रिप्रेजेंटेशन, फिर मैंने आपसे कहा था स्प्रेड, और तीसरी चीज क्या बोली थी, स्क्यूनेस की बात की थी, याद करें। तो यहां देखें डेटा जो है वो स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसमें सिमेट्री ना हो। सिमेट्रिकल का अपोजिट क्या होगा, स्क्यूड। बेटा ये लिखा हुआ, ये देखो ये स्क्यूनेस है, हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्यूड। स्क्यूड डेटा कौन सा होता है, जो सिमेट्रिकल नहीं होता, आसान लफ्जों में जिसमें सिमेट्री नहीं होती। अच्छा अब ये हमारे सामने एक हिस्टोग्राम है, इससे हमने क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्या बनाना है। तो क्या करेंगे, ये देखें ये मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, मिड पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो गए, और अब फ्री हैंड से इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो आपके सामने एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है जिसमें राइट टेल हमें लॉन्गर नजर आ रही है और लेफ्ट टेल शॉर्टर नजर आ रही है, ऐसा ही है, राइट टेल लॉन्गर है ना और लेफ्ट टेल। तो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें राइट टेल लॉन्गर हो और लेफ्ट टेल शॉर्टर हो, इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन।
इस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल में दोनों टेल्स बराबर थी। जब राइट टेल लॉन्गर हो लेफ्ट टेल शॉर्टर हो तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चलें और अब यहां देखो, तो अब इसके मिड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, लेफ्ट टेल लॉन्गर है और राइट टेल शॉर्टर है, तो इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लेफ्ट टेल लॉन्गर हो राइट टेल शॉर्टर हो तो उसको हम कहते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम डेटा को समझना शुरू कर दिया हमने, हमें पता लगने लग गया है कि डेटा जो है वो जब हम उसको ग्राफ में लेकर आते हैं तो उसमें हमें किस टाइप की शक्ल नजर आ रही है उसकी। डेटा सिमेट्रिकल है, डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, डेटा नेगेटिवली स्क्यूड है, या यूनिफॉर्म है, या यू शेप है। तो जिस टाइप की उसकी शेप होगी ट्रीटमेंट भी वैसा ही करेंगे उसके साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है हम लोग? ओके। और फिर उसके बाद फाइनली हमारे सामने जो ग्राफ आ रहा है इसको हम कहते हैं, कुछ लोग इसको ओगिफ तो नहीं पढ़ते, ये है बेटा ओजाइव। अच्छा, हिस्टोग्राम की क्या डेफिनेशन लिखी थी हमने, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओजाइव होता है ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने पहले दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देखी ना, एक नॉर्मल, उससे फिर क्यूमुलेटिव बनाई थी। कौन सी बनाई थी, क्यूमुलेटिव बनाई थी ना, एक लेस देन वाली बनाई थी और एक, इसका मतलब है ओजाइव भी दो तरह के होते हैं, एक लेस देन ओजाइव होता है और एक लेस देन क्यूमुलेटिव से बनेगा लेस देन ओजाइव, और मोर देन से बनेगा ओजाइव। तो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ, हिस्टोग्राम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एड अप होने के बाद, मैं कहता हूँ ये चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, एड होने के बाद क्या मिल रहा है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा जी, पहला है लेस देन ओजाइव और दूसरा है, तो यहां पर मैंने जो आपको बना के दिखाया है वो सिर्फ लेस देन वाला है, मोर देन वाला आपसे बनवाते हैं अभी, लेकिन पहले लेस देन वाला समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक डेटा है, मार्क्स है 0 से लेकर 20 तक, और यहां पर आप देखें क्लास बाउंड्रीज बनी बनाई है, 0 to 4 विदाउट गैप है ना, 4 to 8, 12 एंड क्लास बाउंड्रीज बनी हुई है। ये हमारे सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी वाली बनी हुई है, लेस देन वाली, एड होके मिल रही है, 4 + 6 = 10 + 10 = 20 + 8 = 28 + 4 = 32। ये देखें बेटा, जब हम बनाने जा रहे हैं लेस देन ओजाइव तो हमें कौन सी क्लास बाउंड्रीज चाहिए थी, अपर वाली, तो इसलिए अपर क्लास लिमिट्स और फिर यहां पे सीएफ। देखिए पहली अपर क्लास लिमिट क्या है, 4, दूसरी, फिर देन पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर ओके, और यहां कहता है प्लॉट द पॉइंट्स, इनको मिला के लिख लो। ये पहला पॉइंट बन गया 8, 10, दूसरा पॉइंट बन गया 12, 20, तीसरा बन गया 16, 28 और 20 and 32। अब हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे ये वाले पॉइंट्स प्लॉट कर देने। बेटा ये देखो ना, ये एक्स एक्सिस पर हम इसको लेते हैं, ये एक्स एक्सिस के लिए है और ये वाई एक्सिस के लिए है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया, इस तरीके से हमने लिख लिया इसको। और ये देखें बेटा,
ये आपके सामने एक ओजाइव बना हुआ आ गया है, और ये हमने बनाया है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेस देन ओजाइव। इसको क्या कहते हैं? लेस देन ओजाइव। अच्छा जी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी थी अभी आपने बनाई थी ना पीछे, एक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली बनाई थी? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली, ये देखें। ये वाली आई याद बेटा, जिसमें हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इस वैल्यू से लेस कितना है, या दूसरा हमने क्या क्वेश्चन पूछा था इससे अबव कितना है। तो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी ना, ये वाली दो चीजें, ये देखो ये वाली, ये दो चीजों को अगर मैं प्लॉट कर दूं तो ये बन जाएगा लेस देन ओजाइव। यानी उसको प्लॉट करने का मतलब समझते हो, उसका अगर ग्राफ बनाऊं, ये है टेबल, टेबल की फॉर्म में लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा तो फिर इस तरह का बन जाएगा। ठीक हो गया, डेटा टेबल की फॉर्म में होगा या फिर ग्राफ्स की फॉर्म में होगा, टेबल की फॉर्म में होगा तो उस तरह नजर आएगा जैसे पहले दिखाया, और ग्राफ की फॉर्म में होगा तो ये नजर आएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग एक मोर देन ओजाइव मुझे बना के दिखाएं, तो सबसे पहले आप लोग इस तरह का एक टेबल बना लें जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं इसमें और 3 रोज हैं, 6 कॉलम्स, कॉलम समझते हैं ना वर्टिकल, और रोज हैं 3। जी जी बिल्कुल, उसमें आप कौन सी लेने वाले हैं आप? 0 4 8 जी 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 लोअर वाली लेनी है। यहां जहां हमने अपर क्लास लिमिट्स लिखा हुआ है आप लिखेंगे लोअर क्लास लिमिट्स, तो 0 4 8 12 एंड 16। अच्छा, अब आप कैसे चलेंगे? पहली जो यहां पे वैल्यू लिखेंगे कौन सी लिखेंगे? मैं इसका एक मिनट आ रहा हूं, ये उसका कलर चेंज कर देते ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 4 8 12 एंड 16। तो सबसे पहली वैल्यू कौन सी लिखोगे? 32 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, उसमें से 6 माइनस करोगे तो, फिर 10 माइनस करोगे, फिर 8 माइनस करोगे, तो ये पॉइंट्स बनते जाएंगे। ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ में आ गए सबको? बोलते ही नहीं। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, सेम स्केल के ऊपर, स्केल हम वही यूज करेंगे जो वहां बना हुआ है। पॉइंट्स नोट कर लिया आप लोगों ने? ये देखें, अब बताएं पहला पॉइंट कौन सा है? 0 एंड, यानी एक्स जो है वो 0 है और वाई, तो एक्स 0 वाई 32 है, तो कोई ये पॉइंट बनेगा क्योंकि एक्स जो है वो वाई एक्सिस पे 0 मिलता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? 4 एंड 28, एक्स है 4 और वाई है 28, तो ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे कहीं। फिर क्या है? 8 एंड 22, ये 8 है और यहां पे कहीं 22 होगा। फिर है 12 एंड 12, ये 12 और ये 12, और फिर है 16 एंड 4, बेटा ये 16 और यहां कहीं 4 होगा। तो अब जो हमारे पास बनेगा वो किस किस्म का होगा? तो ये कौन सा बना?
मोर देन ओजाइव। बेटा कुछ समझ तो नहीं आ रहा? अच्छा, पहली चीज जो लेस देन ओजाइव के बारे में आपको नजर आएगी वो ये है कि इसका स्लोप आपको पॉजिटिव नजर आएगा। स्लोप क्या चीज होती है, कौन बताएगा? हाँ, जो यूं जा रहा होता है वो स्लोप होता है। जी जी, एक मिनट आपको। जी, स्लोप क्या होता है? जो नीचे से ऊपर जाए वो स्लोप होता है, जो ऊपर से नीचे आए वो क्या होता है? वो भी स्लोप नहीं होता। मतलब जिसमें दो पॉइंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको लाइन कहते हैं। अच्छा, क्या चीज होती है स्लोप? अल्लाह अकबर। देखा, मैंने कल खुदा का शुक्र अदा किया था कि नहीं किया था, बताओ? बोलो, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एनीथिंग, वेरी गुड। जी, आपको याद है कल मैंने अल्लाह ताला का एक शुक्र अदा किया था एक जगह पे, वो किस बात पे किया था? कि आप लोग जो पढ़कर आते हैं कुछ याद नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, वरना हम कहां जाते हैं? क्या होता है बेटा स्लोप? अब कोई पूछ ले आपसे बेटा स्लोप क्या होता है तो क्या बताओगे? यार मुझे एक बात बताओ, कोई मैट्रिक इंटर करके ही आए हो ना, हैं? या डायरेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आ गए हो? बोलो बोलो ना, आंसर दे दो। जो भी आपको स्लोप के बारे में पता बता सकते हैं। अच्छा, वो एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर किया, कहता है ग्रेडियंट को कहते हैं स्लोप। ये तो मुझे पता ही नहीं था। सारे जी, जिसका मिनिमम और मैक्सिमम होता है, वाह क्या बात। पहला क्या? ढलान। अच्छा, ढलान, हाँ ये बात तो सही है, ढलान होती है। तो सीधा सीधा कहो ना, स्लाइड होती है जिसपे हम अक्सर बच्चों को लेके जाते हैं आजकल, बचपन में हम भी जाते थे। सॉरी, वाह कमाल हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक, तेरा एहसान है। मतलब किस किस मौके पे अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। राइज ओवर रन। अच्छा बेटा, बिल्कुल सही बोला, राइज ओवर रन मैथमेटिकली इसी तरह कहते हैं, राइज ओवर रन। तो रहा बेटा, ये तो कुछ बताओ बच्चों को इसके बारे में, ये राइज ओवर रन क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? जी जी, बोलो। अब देखो फौरन मुझे पलटा रहा है यहां से, बहुत बड़े फनकार हो तुम। अच्छा चेक कर लेते हैं बेटा। हाँ बोलो। ठीक है, एट नहीं है बेटा, सिक्स है। हमने इसको फ्रीक्वेंसी को माइनस करना होता है। हाँ हाँ, रिवर्स में, पहली वैल्यू है 32 टोटल। बेटा इस वैल्यू का टोटल 32 है, 32 में से पहली वैल्यू को माइनस करो। 4 माइनस किया तो क्या हुआ? 28। 28 में से 6 को माइनस करो और फिर 10 को माइनस करो। ठीक हो गया? ओके, अब वापस आ जाए स्लोप पे। उसने पूरी कोशिश की कि मैं हट जाऊं यहां से, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। चेंज इन डिवाइडेड बाय डिविड। अच्छा, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। ओके, देखो बेटा, तो आपने बहुत हद तक सही बात बता दी है, हम उसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। स्लोप हमें यह बताता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 यूनिट से चेंज होगा। क्या चीज? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें कितना, मेरे साथ रिपीट करो, उसमें कितना, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज आएगा। ठीक है, अब इसको सर समझते हैं। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल, ये मैं लिख रहा हूं 4
प्लस फाइव एक्स, ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा ए प्लस बी एक्स, या आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी ना ये, तो अब ये मत कहना हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी। इसमें जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप होता है, यानी कैसे पहचानते हैं जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है। अच्छा अब जरा इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, y इक्वल्स टू फाइव एक्स प्लस फोर इस तरह से लिख लेते हैं इसके साथ कंपेयर करने के लिए। तो अब स्लोप कितना है, अच्छा अब देखें सबसे पहले हम x को पुट करेंगे जीरो, तो यहां पे जीरो पुट करो y की वैल्यू क्या आएगी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फोर ठीक हो गया। अच्छा अब हम एक काम और करेंगे, अब हम x को पुट करेंगे वन, तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये देखें x में जब एक यूनिट का चेंज आया तो y में कितना चेंज आया, फाइव यूनिट्स का, और स्लोप की वैल्यू कितनी थी, फाइव। तो स्लोप ने हमें क्या बताया कि जब हमारा x जिसको जनरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y जिसको हम जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, तो स्लोप ने हमें क्या बताता है कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वन यूनिट का चेंज आया तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वो फाइव यूनिट से चेंज हो गया। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव थी इसलिए फाइव यूनिट्स बढ़ गया, अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होती तो फाइव यूनिट्स, स्लोप कौन बताएगा अब, स्लोप क्या होता है, हाँ बोलो, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा अब स्लोप का हमें ये कैसे पता चलता है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये कैसे पता चलता है बोलो। देखो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या है, कैसे पता चला, मतलब जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव है, हैं? ऐसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, इधर देखो बेटा बोर्ड की तरफ देखो, सब लोग देखो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव होता है जी। ये देखो बेटा यहां पर किसको नहीं आ रही, अच्छा बस सही, अब सही है। ये देखो बेटा मैंने यहां पर एक x की वैल्यू ले ली, ये जिस जगह पर इस लाइन को कट कर रहा है यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहां पर मुझे y की एक वैल्यू मिल गई, ठीक हो गया। अब मैं x की वैल्यू को इंक्रीज करने लगा हूं, जब इंक्रीज करूंगा तो राइट साइड पे मूव करूंगा, यहां पर मैं x की दूसरी वैल्यू ले लेता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्सिस पर, जिस जगह पे कट करेगा वहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो अब यहां पर मुझे y2 की वैल्यू मिल गई। तो अब आपने एक चीज नोट की, जब मेरा x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, अच्छा अगर मैं इसके अपोजिट चलूं यानी x2 से x1 की तरफ आऊं तो फिर यहां आ जाऊंगा, तो हो क्या रहा है, जब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी और जब x डिक्रीज हो रहा है तो y, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर स्लोप क्या होता है। अब आ समझ में आई, अच्छा दूसरा देखो, स्लोप नेगेटिव जब होता है तो उसका कैसे पता चलता है, ये देखो यहां पर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं x1, तो यहां पर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं, यहां पे आ गया x2 ले लिया, तो ये क्या हुआ, तो जब x इंक्रीज हो रहा है तो y और रिवर्स में चलूंगा तो क्या हुआ फिर ये स्लोप। तो अब किसी लाइन को देख के मुझे पता चल जाएगा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा जी तो ये जो लेस देन ओजाइव है इसका स्लोप आपको कैसा नजर आ रहा है,
पॉजिटिव नजर आ रहा है। और मोर देन ओजाइव का चले, मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपका डन हो गया। अब आप लोगों ने करना ये है, टाइम है भी 10-15 मिनट, लेकिन खैर है, हम क्लास को एंड कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जब हमारा सीक्वेंस यही रहेगा, जब टॉपिक खत्म क्लास खत्म, टाइम खींचना जरूरी नहीं है। अब सिचुएशन ये है बेटा कि आप लोगों ने करना सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा अगर आप स्टडी टेक्स्ट को उठा के रीड कर लें तो आपको यही सब कुछ वहां में मिल जाएगा। जी पूछ रहे हैं कुछ, जो मैंने भेजा वो स्टडी टेक्स्ट नहीं है, वो मेरे नोट्स होंगे जिसमें आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। जो नहीं वो बाय करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी आ गई तो काफी है। आप अपनी आसानी के लिए प्रिंट निकलवाना चाहें वो आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। जी बेटा बेटा वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, उसके लिए आप एडमिन से रابطہ करेंगे, वो आपको सारा तरीकाकार बता देंगे कैसे आपको ये चीजें मिल सकती हैं और किस तरह आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। मैं भेज देता हूं बेटा, स्टडी टेक्स्ट की भी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो आपको ये सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि किस तरह आपने वो वहां तक पहुंचना है, उनका क्या आईपी एड्रेस है, किस तरह से है, वो एडमिन वालों से आप बात करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपकी क्लास में खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ, आपको जब कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको आपकी हेल्प करता रहूंगा। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। बेटा ये स्टार्ट का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, स्टडी टेक्स्ट में शायद ये चैप्टर नंबर 7 होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या, ये फर्स्ट चैप्टर है और स्टडी टेक्स्ट में आपको 7th चैप्टर मिलेगा ये।